हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। दिन है आज संडे का, बच्चों की छुट्टी है, और बच्चों की छुट्टियां ना तो आज 7:15 बजे अब उठ कर चले बच्चे। इतना लेट लतीफ़ सोए उठे आज, ये कह रहे संडे के दिन ना उठाया करो, हमें आराम से सोने दो। हमें तो वह भी गए हैं उठ के। ये बंदर से रोटी लाई थी, रखी थी यहीं पर, रख दूँगी। बंदर आएंगे, उठा के ले जाएंगे, खा लेंगे बेचारे। अभी सबकी खाट खटोली भी यहीं पड़ी, अभी नहीं भी उठाएगा, खड़ी करेंगे छाया सी मेरे को। ये देखिए वो कल ओनी मेरी चुन्नी जो है वो कटी निकल गई थी, अब बदल के लाए बच्चे। हैं बढ़िया लग रही, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलो भाई, ये बदल के ली फिर उसने, ये दी उन्होंने अंकल जी ने। चलो चलो, तो इधर रैक्स पर कितना जोर पड़ रहा बंद तो ही। अरे मम्मी जी ने अरे काट फीट कर रख दी, एडवांस काम कर दिया आज तो। हाँ तो मम्मी जी ने दोपहर का सब्जी जो है खाना बनेगा दोपहर का अरवी, तो मम्मी ने बैठे बैठे काट दी, कह रही फिर तो फिर तो मैं काटनी नहीं पड़ने की, तो ये काम तो मम्मी ने निपटा दिया। मम्मी सबको बुला रही सिरों की मालिश करने को, अब अपनी खोपड़ी लेकर नीचे चलो सर। मम्मी ने मोड़ पर टवाल दिया था, एक कटोरी में तेल लेगी अदरक, वो भी बुला रहा नुकाया जल्दी नीचे को आ जा, क्या ऊपर ही बोल रही। इसे भी चाहिए आवाज, कह रही ऊपर बैठी नीचे नहीं आ रही, भूख को जागा इतना जितने जाने की नहीं। आप डाल रही मैं थोड़े से घोसले चिड़िया का, नहीं भाई किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, गलत बात है बेटा, ऐसे थोड़े कि तोड़ दू, कितनी मेहनत से बनाया उसने, देखो ये रखा है। ऐसे बहुत छोटी छोटी सी चिड़िया है जो निकल के जाती है, और उन्होंने लगाया हुआ ये। अरे बस इसमें ढूंढ रहा नींबू, और नींबू इसमें एक नहीं मिलने का, सारे नींबू तोड़ लिए इसके। इसे सिर पर मालिश करवानी ना अपने, तो उसमें तेल में नींबू डाल देगा। अभी दुकान पर से लिया, इसमें एक नींबू नहीं है, जब मिल गया एक आता। अरे मिल गया, दिखाई 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 देखो। अरे हमने स्वामी के टाइम भी ढूंढा था, हमें तो नहीं मिला एक भी, देखो। तो लड़के को मिल गया भाई, चल तेरा सिर का काम तो हो गया, चल और ना है इसमें, मिल गया एक। देखो मम्मी देखिए हाथ पे, ये देखिए कितने निशान, ये वाली बॉल खेल खेल के हो रहे निशान, नील पड़ रहे बिल्कुल। स्कूल में खेलनी है फिर घर पे भी आके खेलनी, देखे इसमें ये पक रहा, यूं कह रहे थे पकड़ रहा, इसमें कितना रस निकल रहा देखियो, इतना बड़े में मिल नहीं कटता रस। हाँ नहीं, ऊपर से पेड़ हो रहा था, साइज ही छोटा रह गया इसमें तो, वो भी नहीं बीज। इसे फेंक के ना, इसे मम्मी कभी झांस के डांटा फोड़ा ना, हका इसी पर रगड़ दियो, फेंक के ना इसे। मैंने अपने सारे डगलों को नहला लिया था, अभी आई है लाइट, तो अभी मैं लगे हाथ ये भी साफ़ कर दूंगी, टॉयलेट वगैरह सारे, और बाहर से मुझे धोना है तो उन्हें भी धो दूंगी। तो जितने ही पेड़ पौधे रखे हुए हैं उनमें साथ के साथ पानी भी दे देंगे, और यहाँ पे अपना सारा हमारा साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो अभी मुझे बस यही काम करना है, और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने अपना मुँह भी लपेटा हुआ है, क्योंकि इतनी कड़ी धूप लग रही है बहुत ज़्यादा। नीचे की मेरी पूरी सफाई हो चुकी है, अभी मुझे ये कैंपर भरना है, और पानी की जो बोतल है वो फ्रिज में भर के रखनी है, क्योंकि फिर ना लाइट का कोई भरोसा नहीं है, फिर दोपहर में बार बार हम 12 चला के यहाँ धूप में भी खड़ा होना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो अब ना भर के ना अभी फ्रिज में रख दूँगी, एक बोतल में फ्रिज में रखूँगी, एक भर के रखूँगी बाहर, तो जिसे फ्रिज का पानी पीना होगा वो पी लेगा, बच्चे ही पीते हैं ज़्यादातर, वरना बाहर रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी पानी। अभी बजे हैं 11:30, और नहाना धोना मेरा हो गया है, अभी खाना नहीं खाया और सबने खा लिया है, हमने नहीं खाया, अभी कपड़ों की धुलाई वगैरह की है, कपड़े सारे धो गए, और आज थोड़े से बिस्तरे भी जो है धूप लगाई है इनको, और बस मेरा अभी काम रह रहा है बाहर की जो बालकनी है वो धोनी है मुझे, तो अभी फटाफट से उसे धोती हूँ, और उसके बाद फिर अपना खाना पीना करेंगे। उसे ना सुबह धो भी दें तो उसमें क्या है, मतलब जैसे नहाते हैं और कपड़े वपड़े धोते हैं, तो जो बाथरूम का थोड़ा सा ढाल इस तरह से है तो उसका ना पानी सारा बाहर निकलता है,
तो इसी वजह से उसे हम बाद में ही करते हैं, वरना फिर जैसे कपड़े धुलेंगे तो फिर उनका पानी फिर से उसमें भर जाएगा, तो इसी वजह से वो नहीं हो रहे। तो बस अभी यही करूँगी, ये सूखने के लिए डाल देते आज खेस वगैरह सब, इनके धूप पक जाएगी तो इन्हें अलट पलट कर दो बस एक बार और फिर वो धोएंगे। और आज ना हमारे यहाँ कोई आने वाला है, आएगा कौन वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको डायरेक्ट जब आएंगे आपको दिखाऊंगी। तो बस इंतज़ार करते हैं हम भी उनका और आप भी, तो पहले चलते हैं अपना काम करते हैं। तो बाथरूम के आगे का जो पायदान है ये भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो मैंने पाइप चलाया हुआ है, इसे भी साथ के साथ धो के धूप में डाल देंगे। ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिनट में ये सूख जाएगा और फिर डाल देंगे बाथरूम के आगे। और मुझे ये सारे बालकनी भी धोनी है अभी, क्योंकि आज सुबह नहीं ये धो पाई थी मैं, तो अभी टाइम है इसे अभी धो देंगे। और फिर यही है क्योंकि पहले नीचे का काम निपटाने होते हैं फिर ऊपर का काम होता है मेरा, तो पहले इसे धोऊंगी उसके बाद फिर हम अपना खाना खाएंगे, बाकी सब ने खाना खा लिया है। इंतजार हो रही तो है तुझे, इंतजार हो रही है पूरी जिनका आना है। और पिछले एक घंटे से ना यही हो रहा कि हम आ लिए, हाँ पास मालिए, लेकिन वो यार फोन पे कोई झूठ भी बोल दो कोई पता नहीं चलता। तो बच्चे भी ना पूरे इंतजार में हैं, बाहर बालकनी में खड़े हुए देख रहे हैं, तो अभी हम भी इंतजार ही कर रहे हैं, जैसे जैसे वो आएंगे आपको जरूर मिलवाएंगे। और टाइम भी 3:30 हो रहा, 4 बज रहे, 4 बजने वाले, 2 घंटे से इंतजार हो रहा पूरा। देखिए जिसका इंतज़ार हो रहा था, मैं बता रही थी आपको आज हमारे यहाँ कोई आने वाले हैं, तो आज दीदी आई हैं, बच्चे आए हैं, तनु हैं, भाई साहब हैं, सभी आए हैं। तो ये 3-4 दिन का टूर करके आए हैं, ये गए थे घूमने के लिए, तो उधर से होते हुए फिर हमारे यहाँ पे मिल के जा रहे हैं अभी ये, तो आज ही यहीं पे रुकेंगे और फिर ये कल यहाँ से निकलेंगे। दोनों की फाइटिंग शुरू, एक इस तरफ और एक इस तरफ, देखो तो फिर नहीं नो तो आज शाम के खाने में बनेगी दाल, दाल बन चुकी है हमारी, अभी हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर बना रहे हैं। और ये फुल रेसिपी वही है जो मैं पिछली बार अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, वो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो बस यही है, बहुत सिंपल तरीके से है, मटर नहीं है, खाली पनीर पनीर की सब्जी है ये, और कढ़ाई पनीर आज हम बना रहे हैं। और बच्चों की यहाँ पर चल रही है फिलहाल पार्टी, बच्चों ने मंगाया है चाउमीन और बर्गर, तो खाने से पहले का है ये बच्चों का, और इसके बाद 2-3 घंटे बाद बच्चे खाना लेंगे, तो अभी तो बच्चों को भूख लग रही थी इसलिए इनके लिए यही मंगाया है अभी। तो सबकी पार्टी हो रही है अभी बच्चों की, बच्चों ने सबने अपने खाना जो इन्होंने बर्गर वगैरह मंगाए थे वो तो सब बच्चों ने खा लिए हैं। बच्चे भी अपने कपड़े और तौले वगैरह लेके गए हैं नीचे, क्योंकि लाइट आने में थोड़ा ही टाइम है, तो बच्चे जाएंगे अभी नीचे नहाएंगे, और मैं तब तक ये जितने बर्तन हो रहे हैं अभी पहले मैं सबको साफ करूँगी। और अलका चली गई है चूल्हे के आगे, वो बनाएगी अभी चूल्हे पे रोटियाँ, तो सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, दूध भी हमारा बन चुका है, तो मुझे बस ये बर्तन साफ़ करने हैं और फिर हम सबको खाना देंगे। बच्चे तब तक नहा के आ जाएंगे और फिर सबको खाना देंगे।
ये गेट प्लूटो की वजह से बंद कर रहे हैं, भाई साहब के पीछे जा रहा वो। हाँ ये पंखा लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और इधर हमारी रोटी बननी स्टार्ट होगी। बच्चे अभी खाने वाले आने के नहीं यार, बच्चों ने तो खा लिया, होगी पेट पूजा उनकी। तो बच्चों के पापा घर खाएंगे हैं, थोड़ी देर में खाएंगे वे तो। अजी जी अपना प्याज को लेकर बैठ गई, प्याज को काट रही जीजी अपने। और इधर सालू और तनु ये दोनों नहाने की तैयारी में है, इन्हें पाइप नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि अभी इन्होंने गाड़ी धोई है, तो ये दोनों वेट कर रही हैं कि इन्हें किसी तरह से पाइप मिले और ये नहाए दोनों। ए जल्दी आओ भाई, हाँ तो जल्दी नहा के आओ ऊपर। इधर खुला सा लग रहा वहां से, यहाँ तो हवा लग रही है अच्छी। हाँ सोलह साल में लग रहे जवान तो होगा, पापा के तो सोलह साल में भी आओगे तो सोलह साल में रेग सी आ रही थी ऐसी। बता हाँ बढ़िया, तीन साल मैं 19 साल में थी। नहीं तो देखिए वंश प्रियंश और लगा कोई भी शादी लायक, पता नहीं पर पापा तगड़े बता रहे थे, मम्मी तगड़े बहुत थे। कितने तगड़े होंगे, एक खूब तगड़ा, खूब तगड़ा तगड़े हो, पर वही कहना उम्र तो कमी थी। हाँ उम्र कम थी। टाइम हुए हैं अभी 9 बजे है, 9 बजे का टाइम हो रहा है, और इस टाइम ना रोज डेली तो हमारा ऑलमोस्ट काम निमट ही जाता था, लेकिन आज अभी दीदी हर हैं, बच्चे हैं उनके साथ, मतलब काम कर लिया फिर थोड़ी देर बैठ के बात कर ली, ऐसे ही हो रहा है। तो अभी उठ के आए हैं और दिखाती हूँ मैं आपको रसोई की हालत, अभी कितने बर्तन पड़े हुए हैं हमारे, ये देखिए अभी मतलब बर्तन नहीं हुए हैं, सारे बर्तन ऐसे कैसे ही हैं, पूरी रसोई में बर्तन ही बर्तन है। तो अभी ये भी करने हैं, अभी दूध का काम निपटाना है, और फिर ना सबके ये कपड़े मच्छरदानी सबके खाट वगैरह लगानी है, तो सबके सोने का जुगाड़ करना है। तो उधर अभी सारे बरामदे बैठे हुए, वहीं पे पंखे वगैरह लग रहे हैं, तो उधर भी वही है। उधर का मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि उधर ना रोशनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो खुला बरामदा है तो काफ़ी लंबा है, तो उसमें रोशनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं उधर की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कोई बात नहीं, उनके सबके सुबह बना लेंगे हम। तो जी अपना काम निपटाते हैं अभी फटाफट से, पहले बर्तन करेंगे फिर सबके खाट बिछाने का काम करेंगे, और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय।